और कुणाल भाई यहाँ पे अपने सेल्फी लेते हुए जो कि इसके साथ है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। से फ्रेंड्स, आज 20 से 25 दिन के बाद वापस से हम लोग ब्लॉग शुरू कर रहे हैं। तो अभी 6 बजे है और मैं आया था जुबिली गार्डन में, जो कि हमारे गंडे का सबसे बड़ा गार्डन है और अभी अभी बन के तैयार हुआ है। तो अभी चलिए आपको सीधा मैं दिखा रहा हूँ गार्डन। और एक मज़ेदार चीज़ है वो मैं आपको नाइट व्यू में दिखाऊंगा, अभी नहीं दिखाऊंगा, चलिए चलते हैं। दोस्तों ये जो है स्पेशली चेयर है, ऐसे ना आप लोग यहाँ पे आराम कर सकते हो और अपने फैमिली के साथ फुल्ली इंजॉय कर सकते हो। तो ये है एक एक्सरसाइज करने के लिए एक अच्छा सा इक्विपमेंट, जो कि यहाँ पे बच्चे खेल भी सकते हैं और अपने हेल्थ का भी ध्यान रख सकते हैं। देखो एक बच्चा खेल ही रहा है, देखो अभी मेरे को देख के उतर जाए तो पता नहीं, लेकिन खेल रहा है। हाँ उतर गया। ये है घूमने वाला चक्कर। अब इसका नाम ना गाइस, मेरे को बहुत सारे इक्विपमेंट के नाम ही नहीं मालूम है, इसीलिए मैं अपने ओर से रख देता हूँ, गोल चक्कर। दोस्तों मेरे को उस बच्चे ने बताया इसका नाम है गोल चक्कर, यानी कि राउंड चक्कर, जो भी बोलो आप। ये गार्डन पूरा बन चुका है। अच्छे बात है कि आपको इतनी छोटी उम्र में भी हिंदी आती है, वैसे हम सब तो गुजराती है ना, गुजराती ही बोलते हैं। तो दोस्तों अभी ना मैं इतना ही बताऊंगा, अभी मैं आपको नाइट का व्यू दिखाऊंगा। यहाँ पे जो सबसे स्पेशल चीज़ है ना, वो आपको मैं नाइट में दिखाऊंगा। तो दोस्तों हम लोग वापस से आ गए हैं जुबिली गार्डन में, जो कि हमारे गंडे में स्थित है। तो मैंने मास्क इसीलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक है और इतने सारे पब्लिक में बहुत सारे पहचान के भी है, तो थोड़ा डर लगता है और कुछ नहीं। तो चलिए सीधा आपको हम लोग वो नाइट वाला व्यू दिखा रहे हैं, तो चलते। ये है यहाँ का व्यू। कुणाल भाई, रोहित भाई, उन सब के साथ आए हैं अब, और फिलहाल यहाँ पे बहुत सारे लोग भी आए हैं। आपको ऐसा नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि लाइट मोड में है। और कुणाल भाई यहाँ पे अपने सेल्फी लेते हुए जो कि इसके साथ है। तो दोस्तों अभी कुणाल भाई ना मेरे एक फ़ोटो खींचेंगे, जिसको मैं थंबनेल में लगाऊंगा। फिलहाल मैं यहाँ पे खड़ा हूँ इस बैनर के ठीक पीछे। तो अभी वो जैसे फ़ोटो खींच रहे हैं, उसके बाद मैं वहाँ से व्यू दिखाऊंगा आपको इस चीज़ का, इसका कि वहाँ से कैसा दिखता है पुल के ऊपर से। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट व्यू। तो आज का हमारा ये जो ब्लॉग है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अभी से रेगुलर ब्लॉग आने शुरू हो जाएंगे। चलिए चलते हैं।